हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं बहुत ही बढ़िया स्प्रे बनाना बताऊंगी आप लोगों को, जिनका उपयोग हम अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं और जो भी कीड़े मकोड़े लगेंगे पौधों पर, सबसे छुटकारा मिल सकता है स्प्रे करने के बाद। तो चलिए मैं अपने पौधों को दिखाती हूँ करके देखिए। गुड़हल हमारा बड़ा ही खूबसूरत खिला हुआ है और अक्सर देखते हैं कि गुड़हल के पौधे पे ढेर सारे मिलीबग और वो ब्लैक से जो कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं, बनाकर अपने पौधों पर स्प्रे करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ 1 लीटर पानी। बस तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो भी कीड़े लगे हैं हम सभी पौधों पर स्प्रे करेंगे ना, तो कीड़ों से छुटकारा मिल जाएगा। आप देख रहे हैं एक पैकेट मैंने इनो लिया है, छोटा पैकेट है। आप चाहे तो जो प्लास्टिक के डिब्बे में आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बस पैकेट वाला जो है इनो ले लिया है। और अब जो है मैं इन्हें कट करूँगी। तो मैं आपको बताऊं कि तीन चीज़ों से स्प्रे बनाकर अगर हम अपने सभी पौधों पर स्प्रे करें ना, तो जो भी कीड़े मकोड़े लगे हैं छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसे काट लेती हूँ। काटने के बाद हम चम्मच में इसे रखेंगे। तो एक चम्मच हमें चाहिए, तो इस पैकेट में एक चम्मच के लगभग देखिए इनो है। इस तरह से इनो हम ले लेंगे चम्मच में। इस तरह से मैंने इनो को ले लिया और अब जो है मैं इसे पानी में अच्छी तरह से घोल दूंगी। और मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे सभी पौधों में ढेर सारे कीड़े लगे हैं तो हम स्प्रे को और ज़्यादा बना सकते हैं। अभी तो मैं 1 लीटर पानी में बनाकर बता रही हूँ। आप चाहे तो इससे दुगना पानी ले सकते हैं और उसी हिसाब से जो है हम इनो ले सकते हैं। और भी दो चीज़ें हैं, चलिए बताती हूँ। ये देखिए सर्फ है, तो ये बिल्कुल आराम से हमारे घर में मिल जाते हैं। तो एक चम्मच मैं इसे भी ले लेती हूँ क्योंकि मैं 1 लीटर पानी में ये सब बना रही हूँ। अगर पानी मान लीजिए 2 लीटर लेना चाहते हैं तो 2 चम्मच जो है इसको ले सकते हैं और 2 चम्मच इनो ले सकते हैं। तो इनको भी मिला के जो है हम घोल लेते हैं अच्छी तरह से। अभी एक चीज़ और बाकी है, देखिए सरसों का तेल। तो मैं आपको बताऊं कि इनके उपयोग से जो भी कीड़े होते हैं ना ख़त्म हो जाते हैं, तो इसे भी हमने मिला लिया। अब तीन चीज़ जो है मैंने पानी में अच्छी तरह से मिलाकर इस तरह से घोल बना लेंगे। फिर उसके बाद अपने गुड़हल के पौधों पर स्प्रे करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि गुड़हल के पौधों पर, मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा गुड़हल पर ही लगते हैं, तो मैं गुड़हल पर स्प्रे करूँगी। सभी पौधों पर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो गुड़हल हुआ, पर्सनेल हुआ, चाहे जो भी हो, जिन पे कीड़े लगे हैं, मिलीबग लगे हैं, वो जो ब्लैक से कीड़े होते हैं वो लगे हैं, सब पे जो हम अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं और इनके स्प्रे से जो है ना कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जो भी हम बनाते हैं ज़्यादा करके ऑर्गेनिक ही बनाते हैं, इससे हमारे प्लांट पर कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया जो है पेस्टिसाइड मैंने बना दिया। और अब जो है स्प्रे बोतल में मैं इसे भरूंगी, भरने के बाद अपने गुड़हल के पौधे पर स्प्रे करूंगी। तो बिल्कुल फ्री में बन गए हैं, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा। और ऐसे ही हम जो है अपने घर पर स्प्रे अच्छी तरह से बनाएंगे ना, तो बहुत ही कम खर्च में जो है स्प्रे भी तैयार हो जाएगा और हमारे पौधे भी हरे भरे रहेंगे। ये देखिए मैं अच्छी तरह से इनमें मिला रही हूँ। स्प्रे बोतल बड़ा वाला था जो ख़राब हो गया, तो मैं इसी में जो है इसे भर रही हूँ और अपने सभी पौधों पर जो है स्प्रे हम कर सकते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही काम की चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आप भी कीड़ों से परेशान हैं, आपके पौधे पे ढेर सारे कीड़े लगे हैं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि स्प्रे का छिड़काव जो है एक दिन का अंतर करके हम कर सकते हैं, लेकिन हमें रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ दिए, इन्हें इनके ऊपर बराबर इनका स्प्रे करते रहना एक दिन का अंतर देकर, तभी जो है मिलीबग से छुटकारा मिल सकता है। देखिए गुड़हल के मेन ब्रांच पे लगी हुई है, इनमें छोटी छोटी कलियां भी लगी हैं और ये कलियों को ख़त्म कर देते हैं, चूस कर ख़राब कर देते हैं। तो मैं जो है इन पे स्प्रे की हूँ और बाकी देखते हैं जिन पे जो है कीड़े मकोड़े लगे हैं सब पे जो है थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दूँगी, ताकि हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से कम खर्च में मैंने अपने घर पर जो है स्प्रे बनाया और अपने इस तरह सभी पौधों पे छिड़काव कर दूँगी।
और जब भी हमारे पेड़ पौधे थोड़ा सा हरे ताजे हो जाते हैं, फूल आने लगते हैं, तो उनमें जो है ढेर सारे कीड़े लग जाते हैं। अभी देखिए गुलदाउदी के जो प्लांट हैं उनमें भी कीड़े लगना शुरू हो गए हैं, तो इससे हमारे प्लांट कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमें बस ऐसे ही ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना के जो है अपने सभी पौधों के ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए। अगर नहीं भी हैं, कीड़े नहीं लगे हैं, फिर भी हफ्ते में एक बार इनके ऊपर छिड़काव करना चाहिए। ये देखिए कलियाँ भी निकल रही हैं, और अभी तो इनमें नहीं है, लेकिन मैं फिर भी छिड़काव कर रही हूँ इनका, ताकि जो है आगे इनमें कोई कीड़े मकोड़े ना लगे। और जब भी मैं पानी देती हूँ ना, तो बिल्कुल ऊपर से इन्हें नहला देती हूँ, जो भी कीड़े हों निकल कर गिर जाएँ। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।